हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल एसएससी कोर। तो आज की वीडियो में हम स्टैटिक क्वेश्चंस देखेंगे प्रीवियस ईयर के पैटर्न बेस्ड। एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, जीडी कांस्टेबल सबके लिए इंपॉर्टेंट है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। प्रीवियस ईयर पैटर्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे किस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं और उनके ऑप्शन से भी क्वेश्चन बन सकते हैं और बने हैं पास्ट में। जो प्रीवियस ईयर है उनमें ऐसे क्वेश्चंस भी बने हैं। जैसे आप देख सकते हो मिथेन का आपको पता है बट लाफिंग गैस और ब्लू विट्रोल का नहीं पता। तो ब्लू विट्रोल क्या होता है, कॉपर सल्फेट होता है और इंसेक्टिसाइड्स में यूज होता है। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड होती है। तो गाइज ये आपसे पूछा जा सकता है, रिपीट होते हैं एसएससी में क्वेश्चंस, ऑप्शन जो है वो भी पूछे गए हैं। तो आपको इस वीडियो सीरीज में यही चीज दिखाई जाएगी कि आप क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और ऑप्शन भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं तो कर देना, ताकि ऐसी ही पूरी सीरीज एक प्लेलिस्ट में डाल दी जाएगी जहां से आप एग्जाम से पहले रिवाइज कर सकते हो। टेलीग्राम एसएससी कोर 123 पर पीडीएफ शेयर करता रहूंगा जितनी हो सकती है, तो सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हो, इसमें पूछा था पिलर इंस्क्रिप्शन के बारे में। जो समुद्रगुप्त है उन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से ये कवर हो गया। और कौन से पिलर की बात हो रही है यहाँ पर, अलाहाबाद पिलर की, जो इसका आंसर है। तो बाकी जो पिलर और स्तंभ है उसको भी देख लेते हैं। विजय स्तंभ जो ऑप्शन में है वो राणा कुंभा ने बनवाया चित्तौड़गढ़ राजस्थान में, और आयरन पिलर चंद्रगुप्त टू ने जो अभी कुतुब कॉम्प्लेक्स कुतुब मीनार दिल्ली में है। तो आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए जो ऑप्शन में है। तो गाइज ये एड ऑन इन्फॉर्मेशन है जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अनअकैडमी पर कॉम्बैट होता है, हर संडे को होता है। तो इस बार भी होना है, परसों 23 तारीख को 12 बजे होता है दिन में। एसएससी कोर कोड यूज कर लेना, एनरोल आपको फ्री में हो जाएगा। एनरोलमेंट का कोई चार्जेस नहीं है। एक ऑलरेडी रैंक भी दिखाई देगी आपको, अपनी गलतियां भी पता चल जाएगी, तो अच्छा खासा स्कॉलरशिप भी जीत सकते हो। जीत गए तो कुछ टीचर्स जो अनअकैडमी पर पढ़ाते हैं उनका फ्री कंटेंट आपको देखने को मिल जाएगा अगर आपकी रैंक आती है तो। गाइस अगला क्वेश्चन, डेवलपमेंट ऑफ अ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन उसको क्या बोलते हैं, तो उसको पार्थिनोकार्पी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसके चार ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। पार्थिनोकार्पी जो होती है उसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन सीडलेस फ्रूट होते हैं वो। गाइस सारे ऑप्शंस देख लेते हैं एक एक करके। जैसे पाइनएप्पल है सीडलेस फ्रूट, वो पार्थिनोकार्पी में आएगा। अब हाइब्रिडोजेनेसिस में क्या आएगा वो देखते हैं। हाइब्रिडोजेनेसिस में आपका जब दो स्पीसीज अलग अलग रिएक्ट करेगी, जो अलग अलग जिनके क्रोमोजोम्स होंगे, जैसे मेल में आप देख सकते हो अगर ब्लू कलर है और फीमेल में ब्लू है, तो फिर फीमेल या मेल जो भी बनेगा ब्लू बन जाएगा। पर मेल अगर ऑरेंज है और फीमेल ब्लू है तो मिक्स बनेगा, हाइब्रिडोजेनेसिस हो जाएगी। तो इसे बोलते हैं हाइब्रिडोजेनेसिस, जिसमें डिफरेंट स्पीसीज होती है। अब बात करें अगर गाइस एपोमिक्सिस की, तो एपोमिक्सिस में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, जो फोर्थ ऑप्शन है। बट इसमें फ्रूट्स में सीड होते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। ये मिक्स नहीं होते, दूर रहते हैं मिक्सिंग से। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट, उसका पार्थिनोकार्पी है। गैमेटोगेमी में जायगोट्स बनते हैं, जिसमें एक जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं सिंगल सेट जो होते हैं। और वो मैंने जैसे पहले बोला हुआ है कि केमिस्ट्री फिजिक्स बायो की एक अलग अलग सीरीज आएगी जिसमें सारी चीजें डिटेल में कर लेंगे। अभी अच्छा खासा टाइम है तो अभी हो जाएगा कवर अप। अभी पहले प्रीवियस ईयर देख लेते हैं, पैटर्न समझ लेते हैं। जीएम केस, जिन्हें इकोनॉमिक थ्योरी केस इकोनॉमिक्स के नाम से जाना जाता है, किस कंट्री से? तो गाइस 2 से 3 क्वेश्चन आए हैं इसकी सीजीएल 19 की हर शिफ्ट में, और सीएचएसएल में भी आए हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सी कंट्री से है। तो ऐसे क्वेश्चन हम सारे डिस्कस करेंगे ऑप्शन से भी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो कौन सी कंट्री से है, ये पूरा आपको सारे साइंटिस्ट का करके जाना है, फेमस फेमस तो एटलीस्ट। गाइज ये इंग्लैंड से थे, बाकी अभी मैं आगे भी दिखाऊंगा किसी और साइंटिस्ट का, वो भी देखेंगे कौन सी कंट्री से क्वेश्चन आए हुए हैं। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ एमपी, तो डॉक्टर सीतारमैया। गाइज आपको गवर्नर, फर्स्ट सीएम, लेडी सीएम, सब कुछ करके जाना है। अगर आप प्रिपरेशन अपनी कर रहे हो और 200 में से 190 प्लस टारगेट कर रहे हो, तभी आप एक अच्छी जॉब सिक्योर कर पाओगे, तभी आपकी कुछ रैंक बनेगी। इन द सीक्वेंस ऑफ प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम विच प्लैनेट कम्स इन बिटवीन मार्स एंड सैटर्न, तो गाइज इसका मैं पहले भी अपनी प्रीवियस साइंस वीडियो में बता चुका हूँ, वो भी चेक कर सकते हो हमारे चैनल पर साइंस की प्लेलिस्ट में, जिसमें ये साइंस के क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए थे। फिर बता देते हैं, माई वेरी एफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, तो ये आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, ये आपको हेल्प करेगा आगे। एनसीईआरटी में भी ये ट्रिक दी हुई है
क्योंकि ऐसे आपको याद करना थोड़ा मुश्किल रहेगा, बट इस टेक्निक से आप याद रख सकते हो। बाई मतलब क्या होगा, ये सब चीजें देख लेते हैं। बाई मतलब क्या होगा, वर्करी, जो फर्स्ट है वर्करी, फिर वीनस, फिर अर्थ। तो मैं अभी यहां पर लिख देता हूं ताकि आप नोट डाउन कर सको। वर्करी, वीनस, अर्थ और फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर आपका सैटर्न, एक मिनट, फिर सैटर्न, जुपिटर, फिर सैटर्न और फिर आपका यूरेनस और फिर नेपच्यून। तो अब सारे प्लैनेट लिख लेना है, ये इंपॉर्टेंट है काफी। सीक्वेंस पूछ सकते हैं दोबारा से, तो आपको आना चाहिए। विच सिटी ऑफ इंडिया इज नोन एज एथेंस ऑफ द ईस्ट, द एथेंस ऑफ द ईस्ट। तो मदुरई इज नोन एज द एथेंस ऑफ द ईस्ट। बाकी कोची और अलाहाबाद का देख लेते। कोची को बोलते हैं क्वींस ऑफ अरेबियन सी, द क्वींस ऑफ अरेबियन सी, ये भी नोट डाउन कर लो। और अलाहाबाद को बोलते हैं द सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो गाइस ये इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन से भी क्वेश्चन बना सकते हैं एसएससी वाले, प्रीवियस ईयर देखकर अपने खुद। जो वेंडर होगा, जो क्वेश्चन मेकर होगा, वो इससे भी दोबारा अंदाजा लगा सकता है कैसे क्वेश्चन दिए थे। इन विच स्टेट हैज द जोरा डांस ओरिजिनेटेड। तो एमपी का है, गुजरात का गरबा, केरला का कथकली, राजस्थान का घुंगरू। तो ये चीजें मैं पहले भी शेयर कर चुका हूँ, डांस की टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे सारे डांसेस शेयर किए हुए। एसएससी सीजीएल 2020 प्रिपरेशन ग्रुप है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक अलग वीडियो डांस की सारी बना दी जाएगी। अब बात करते हैं, हु इज द फर्स्ट इंडियन टू बैक टू इंटरनेशनल हैट्रिक्स इन क्रिकेट। तो कुलदीप यादव इज द आंसर। तो आपको जस्ट ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा अगर क्रिकेट से क्वेश्चन आता है। विच सिटी इन इंडिया इज वर्ल्ड रिनोम्ड फॉर वन ऑफ द मोस्ट ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी स्टाइल्स। तो कौन सी है, चिकनकारी जिसे बोलते हैं, लखनऊ। चिकनकारी में, लखनऊ में चिकनकारी सूट आते हैं, चिकन के कपड़े आते हैं, तो लखनऊ आपको याद रहना चाहिए। इन विच सिटी वाज द झंडा सत्याग्रह और फ्लैग सत्याग्रह ऑफ 1923 हेल्ड। वैसे इसका आंसर काफी लोग बॉम्बे टिक कर देंगे जो कि गलत है, नागपुर इज द आंसर। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेशनलाइज्ड बैंक। तो एसबीआई इज नॉट अ नेशनलाइज्ड बैंक। तो गाइज इसका आंसर अभी बता देते हैं कि एसबीआई जो उसको लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया गया है, जो लिस्ट नेशनलाइज्ड बैंक की, वैसे नेशनलाइज्ड है, इसके शेयर भी 50% से ज्यादा है। जिसके शेयर 51% से ज्यादा होते हैं, पब्लिक शेयर मतलब गवर्नमेंट, जिसको गवर्नमेंट की जिसमें इन्वेस्टमेंट है 51% ज्यादा, वो नेशनलाइज बैंक होते हैं। ये पहले से था इसीलिए इसे इंक्लूड नहीं किया गया लिस्ट में। और जो लिस्ट में इंक्लूड किए गए 1969 वगैरह में, तो वो बैंक आप गूगल करके देख सकते हो, 14 हो गए हैं, तो आप देख सकते हो कुछ चेंज हुए हो तो गूगल कर लेना। स्टेट बैंक का याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए गाइस, विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड सेल। तो बोन मैरो, मज्जा जिसे बोलते हैं हिंदी में, ये इंपॉर्टेंट है गाइस, ये पूछा जा सकता है। रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन कैरी कर सकता है, करता है, और फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है लंग्स में। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक साइकिल चलती है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी दोनों पढ़ लेना। कोविड की वजह से बायो के ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से रिलेटेड। जॉर्ज सिमोन ओम, ये कौन सी कंट्री से है जिनका ओम्स लॉ है। तो वी इक्वल टू आई आर, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, मतलब करंट और वोल्टेज का जो रिलेशन है ओम्स लॉ, उसके साइंटिस्ट कहाँ से, जर्मनी से। फेमस साइंटिस्ट देखकर जाना, जैसे आइंस्टाइन जर्मनी से है, न्यूटन ब्रिटिश इंग्लैंड से है। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं जहां पर ये बॉर्न हुए हैं, इनका बर्थ हुआ है। इन विच पीरियड वाज द लेजेंडरी विक्टोरिया टर्मिनस, जिसे वीटीएस बोलते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, मुंबई में कब बना। तो वो 10 साल में बना था, 1878 से 1888। गेटवे ऑफ इंडिया की बात करें तो 1913 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई और कंप्लीट हुई 1924 में। क्वेश्चन रिपीटेड है, ये आ चुका है गेटवे ऑफ इंडिया का किसी न किसी शिफ्ट में, इसलिए यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि काफी लोगों को गलत था। Which of the following is not a twin city of India? तो guys, Thrissur and Thiruvalla is not the twin city of India. Twin city क्या होती है? जिसका geographic proximity same होती है, जो एक साथ grow करते हैं, जो एक साथ grow हुए और जिनका geographic area तो है ही है और administrative status भी somewhat comparable size, तो comparable रहेंगे, एक जैसे रहेंगे, वो twin city कहलाएंगे। Freedom fighter सुचेता कृपलानी पहली वुमेन सीएम बनी किस स्टेट की? तो यूपी की। तो ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वुमेन सीएम, वुमेन गवर्नर। तो आप देख लेना, सारे वीडियो आती रहेगी, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, एसएससी कोर 1-2-3 पर पीडीएफ मिल जाएगी। 2020 प्रिपरेशन ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहां पर सारा डिस्कशन होगा और क्विज चलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।